गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को साइंस में चैप्टर टू का पार्ट टू पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों को पार्ट वन में फूड के बारे में बताया था, तो आज भी कुछ उसके बारे में जाने। फूड है क्या? ठीक है, तो फूड हमारे जीवन का एक मूलभूत आवश्यकता है। फूड क्या है? हमारे जीवन का एक मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, फूड, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड लिव। सभी सजीव वस्तुओं को जीने के लिए और बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव वस्तुओं को बढ़ने और जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम लोग जाने आवश्यकता कितने प्रकार की होते हैं, तो आवश्यकता तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? एक भोजन, भोजन, वस्त्र और आवास। मूलभूत आवश्यकता है कितने? तीन। तो सबसे पहले आता है इसमें फूड। फूड मीन्स भोजन। फूड मीन्स क्या होता है? भोजन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फूड है क्या। ठीक है, हम लोग बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते हैं। हम लोग बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं? नहीं, बिना भोजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। बिना भोजन के हम लोग जीवित रह सकते हैं कि नहीं? तो नहीं। ठीक है, तो हमारे शरीर के पूर्ण रूप से विकास के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसमें पहला आता है क्या? एक होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, दूसरा होता है एनर्जी गिविंग फूड और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड। तो सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में जानते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स होता है क्या? बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स होता है शरीर के विकास करने के लिए जो भोजन हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। तो आज हम जानेंगे कि बॉडी बिल्डिंग फूड है क्या। व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग फूड? इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है। वह भोजन जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन की मात्रा होती है और वह प्रोटीन हमारे शरीर को पूर्ण रूप से विकास के लिए जरूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। तो इसका पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग फूड? क्या होता है इसका? व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड? पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन देख लें पहले कि व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग BYLDING बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड? एक्सप्लेन, इसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि यह है क्या। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में जानेंगे। फूड्स रिच इन प्रोटीन, फूड्स, आंसर हो जाएगा इसका फूड्स रिच इन क्या? रिच इन प्रोटीन PROTEIN रिच इन प्रोटीन, proteins help our helps our body grow and body grow and repair repair damage damage
parts of our body is called BODY, body, BELDING, body building force. Body building force क्या होगा? बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। अब हम लोग जानेंगे कि बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है। फूड्स रिच इन प्रोटीन हेल्प आवर होता है, फूड्स रिच इन प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी ग्रो एंड रिपेयर डैमेज पार्ट्स, डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है? वह भोजन जिसमें सबसे अधिक मात्रा में किसकी मात्रा होती है? प्रोटीन होती है। सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? प्रोटीन होती है। और वह प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि और जो डैमेज पार्ट होता है यानी बर्बाद जो शरीर के अंदर जो बर्बाद पार्ट्स होते हैं उसको क्या करता है? रिपेयर करता है। रिपेयर करना मीन्स क्या होता है? जोड़ना। रिपेयर करना मीन्स क्या होता है? जोड़ना। उसको क्या करता है? रिपेयर करता है ऑफ आवर बॉडी हमारे शरीर को। किसको रिपेयर करता है? हमारे शरीर को। उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। उसको क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। सच है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? सच, सच है। जैसे कि और कौन होते हैं इसमें? एग्स, एग्स। और क्या होता है? मिल्क, एम आर एल के, मिल्क, एग्स, मिल्क, मीट, एम ई ए टी, मीट, ई टी सी। ठीक है, तो एग्स बेल और मीट में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर को वृद्धि करने और उसको रिपेयर करने में क्या करती है? मदद करती है। कौन मदद करती है? तो प्रोटीन्स। कौन मदद करती है? प्रोटीन्स। उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जैसे अंडा, दूध और मांस, उसको क्या कहते हैं? अंडा, दूध और मांस में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और यह हमारे शरीर के वृद्धि में क्या करता है या बढ़ने में मदद करता है और शरीर के अंदर जो डैमेज पार्ट होते हैं उनको यह क्या करता है? रिपेयर करता है। ठीक है, समझ गए आप बॉडी बिल्डिंग फूड इसके बारे में समझ गए। और दूसरा है क्या? अब आप लोग बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में समझ गए। अब दूसरा देखते हैं एनर्जी गिविंग फूड। दूसरा क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। अब देखिए व्हाट एनर्जी गिविंग फूड के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट आर, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर एनर्जी, ई एन ई आर जी वाई एनर्जी गिविंग, जी आई वी आई एन जी गिविंग फूड, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड एक्सप्लेन। E-S-P-L-A-I-N एक्सप्लेन करना है इसको। किसको एक्सप्लेन करना है? एनर्जी गिविंग फूड से। एनर्जी गिविंग फूड है क्या इसके बारे में पहले जानते हैं कि जिस भोजन को करने से हमारे शरीर में शक्ति मिलती है। एनर्जी मींस क्या होता है सबसे पहले जाने। एनर्जी मींस होता है शक्ति। एनर्जी मींस होता है शक्ति, ताकत। एनर्जी मींस क्या होता है? शक्ति या
ताकत, जिसको जिस भोजन से हमारे शरीर में ताकत मिलती है, जिस भोजन से हमारे शरीर में ताकत मिलती है और काम करने की शक्ति मिलती है, खेलने की शक्ति मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। उसको क्या कहेंगे? एनर्जी गिविंग फूड। तो इसके बारे में जाने, इसका आंसर जाने, पहले आंसर क्या होगा? फूड्स रिच इन फूड्स आर इन एच रिच इन, इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, सी ए आर बी ओ एच सी आर सी ए आर बी ओ बी ओ एच वाई हाई हाई होता है कार्बोहाइड्रेट, डी आर डी आर ए कार्बोहाइड्रेट। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, फैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोवाइडर्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड, पी आर ओ वी आई डी प्रोवाइड। प्रोवाइड क्या करता है या क्या देती है? प्रोवाइड मींस होता है उत्पन्न करना या देना, प्रोवाइड एनर्जी, ई एन ई आर जी वाई प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी, टू बॉडी। यह क्या प्रोवाइड करता है? शक्ति को प्रोवाइड करता है, किसको? शरीर को, किसको? शरीर को, बॉडी। आर आर नोन एज के एन ओ डब्ल्यू एन नोन एज नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, ई एन ई आर जी वाई एनर्जी गिविंग, जी आई वी आई एन जी एनर्जी गिविंग फूड, नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। क्या हो जाएगा? नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। आगे समझ में? वह भोजन जिसमें अधिक मात्रा में रेचिंग, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होता है, और यह कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो है सो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी शक्ति देती है, उसको हम लोग क्या जानते हैं? उसको जानते हैं कि वह है एनर्जी गिविंग फूड। उसको क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी गिविंग फूड। आगे समझ में? सच है, एस यू सी सच है। जैसे कि कौन कौन है इसमें जिसमें आता है? तो इसमें आता है बट वाइल ओ आई एल वाइल शुगर एस यू जी ए आर शुगर बटर बी यू डबल टी ई आर बटर ई ये सब क्या करता है? वाइल है, शुगर है, बटर है, यह क्या करता है? हमारे शरीर को एनर्जी देता है, यह क्या करता है? हमारे शरीर को एनर्जी देता है, और उस एनर्जी से हम लोग कोई काम करते हैं या खेलते हैं, पढ़ते हैं और दौड़ते हैं। ठीक है, एनर्जी मिस होता है शक्ति या ताकत, एनर्जी मिस क्या होता है? शक्ति और ताकत। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, सच एज एनर्जी गिविंग फूड, सच एज वाइल शुगर बटर एटीसी। ठीक है, आप लोग समझ गए? ये हो गया एनर्जी गिविंग फूड। अब हम लोग जानते हैं प्रोटेक्टिव फूड के बारे में, अब जानते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव फूड के बारे में। प्रोटेक्टिव फूड है क्या? प्रोटेक्टिव मीन्स होता है रक्षात्मक, जो भोजन शरीर को रक्षा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव मीन्स होता है रक्षा करना, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा, और प्रोटेक्टिव मीन्स होता है रक्षा करने वाला। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं प्रोटेक्टिव फूड के बारे में। अब हम लोग जाने प्रोटेक्टिव फूड के बारे में, तो है प्रोटेक्टिव फूड में तीसरा नंबर है। तो जाने प्रोटेक्टिव फूड के बारे में, क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रोटेक्टिव फूड PROTECTIVE प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फूड, सॉरी अब हम क्वेश्चन इसका बना करके लिखते हैं, क्वेश्चन बना करके लिखते हैं, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर थ्री में, व्हाट आर प्रोटेक्टिव PROTECTIVE प्रोटेक्टिव, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स, एक्सप्लेन SPLAIN एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फूड के बारे में जान गए कि यह हमारे शरीर को रक्षा करता है, यह हमारे शरीर में रोगों को क्या करता है, रोगों से बचाता है, यह भोजन हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मीन्स होता है रक्षात्मक भोजन। इसका क्या मीनिंग होता है, होता है रक्षात्मक भोजन, रक्षा करने वाला भोजन, शरीर को रक्षा करने वाले भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, तो सम फूड आप देखे कि रक्षा करने वाला, हमारे शरीर को रक्षा करने वाला भोजन कौन कौन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटेक्टिव फूड में होता है जिसमें अधिक मात्रा में विटामिन हो, जिस भोजन में अधिक मात्रा में विटामिन होते हैं और मिनरल होते हैं, यह जो है सो विटामिन और मिनरल हमारे शरीर के रोगों को क्या करते हैं, रोगों से बचाते हैं, शरीर को रोगों से बचाते हैं, कौन, विटामिन और मिनरल। तो अब हम लोग जाने प्रोटेक्टिव फूड है क्या। ठीक है, अब देखें आंसर इसका, आंसर फूड्स आर एसिड रिच इन विटामिन VITAMINS फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल MINERAL foods rich in vitamins and minerals are known as KNOWN known as, इसे क्या कहते हैं, known as protective food PROTECTIVE protective food known as protective food foods rich in vitamins and mineral are known as protective food। अगर समझ में, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन्स और खनिज पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, प्रोटेक्टिव फूड के बारे, प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं। सच एज, जैसे कि सच एज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स vegetables and fruits, इसमें कौन कौन होते हैं, सब्जियां और फल है, यह होते, इसमें
सबसे अधिक मात्रा में विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। ठीक है, यह हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। कौन कौन रोगों से बचाते हैं? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, इसमें क्या मिलते हैं? विटामिन और मिनरल। विटामिन और मिनरल, मिनरल मिस होता है खनिज पदार्थ, मिनरल मिस होता है खनिज पदार्थ। समझ गए? एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड, एक्सप्लेन। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फूड के बारे में जान लें। फूड्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड सच एज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, इसको और देख लेते हैं। फूड्स, फूड्स मीन्स क्या होता है? फूड्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। समझ गया इसका, इसको मीनिंग? वह भोजन जो हमारे शरीर को रोगों से बचाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। और इसमें कौन कौन होते हैं? सच एज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, इसमें होते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। बस अब आप लोग तीनों क्वेश्चन को कॉपी पर अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। आज भर इतना है बस। थैंक्स।